छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के नतीजे आ गए हैं और कांकेर जिला का रुतबा इस वर्ष भी बरकरार है। पिछले वर्ष भी जो है यहाँ कांकेर जिले के जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उन्होंने टॉप किया था। इस वर्ष भी जो है प्रावीण्य सूची में अपना मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाए हुए हैं। और बात करेंगे वर्षा साहू जो कि 10वीं की परीक्षा में अपना 9वां स्थान प्राप्त करके कांकेर जिले का नाम रोशन किया है। तो वर्षा आपको बधाई हो। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आप मेरिट लिस्ट में हैं? सबसे पहले मीडिया वाले से पता चला। मीडिया वाले से उसके बाद हम लोग देखे जी। आप कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मैं प्रयास आवासीय विद्यालय कांकेर। अच्छा, कैसे पढ़ाई करती थी आप? मतलब इतना नंबर लाई हैं? आईएमपी क्वेश्चंस और बुक से, और प्रतिदिन मतलब 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी। अच्छा, और कहाँ रहकर पढ़ाई की? आप घर में रहती थी या बाहर? नहीं, बाहर हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल कौन से हॉस्टल में रहती? वही प्रयास आवासीय विद्यालय कांकेर। अच्छा, प्रयास आवासीय विद्यालय में आपने पढ़ाई किया है। और मम्मी पापा आपको क्या बोल के भेजे थे? अच्छे से पढ़ना करके। अच्छा, अच्छे से पढ़ना करके आप 9वें स्थान प्राप्त किए हो। आगे आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? इसका श्रेय किसको दोगे? मम्मी पापा और सारे टीचर्स को। सारे टीचर्स को आप दोगे? अच्छा, इसके बाद 10वीं है, 10वीं के बाद आप कौन से सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहोगे? बायो। बायो लेकर पढ़ोगे? हाँ। ये वर्षा हैं और वर्षा जो है आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई की है। उनके पिताजी भी हैं और पिताजी की दुकान है। और अपनी बेटी के इस जो उन्होंने नाम रोशन किया है उसको लेकर आपके मन में कैसी खुशी है? जी सर, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है सर कि मेरी बच्ची अपने छत्तीसगढ़ में नाम रोशन किया है। जी, बहुत खुशी हो रहा है सर इसके बारे में। ये देखिए, वाजिब है कि कोई बेटा हो या बेटी अगर इस तरीके से माँ बाप का नाम रोशन करें तो उनको खुशी होती है। वैसे भी वर्षा ने जो प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज करके कांकेर जिले का नाम रोशन किया है वो भी हर्ष की बात है। कांकेर से खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर।